एक लोडेड सिक्सर पिस्तौल व देसी कट्टा सहित केस बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार। दिनांक 11/9/2024 को बलुआ वार्ड नंबर 2 परारी में पंकज कुमार चौधरी के यहाँ डकैती घटना घटित हुई थी, जिसमें उनके परिवार में उनके पत्नी और उनकी माँ के कुछ जेवरात गए थे और कुछ पैसा वहां से डकैतों द्वारा लिया गया था। उसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसके द्वारा इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। डकैती की साजिश रचते चार अपराधी गिरफ्तार। कटिहार के बरारी थाना में एक लोडेड देसी कट्टा के साथ पकड़ाए लोडेड सिक्सर, कैश भी मिला। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के बलुआ वार्ड नंबर 2 में बीते 11 सितंबर को 6-7 अपराधियों के द्वारा पंकज कुमार चौधरी के घर में घुसकर हथियार का भय दिखाकर पीड़ित की मां एवं पत्नी का जेवर जेवरात एवं 5 लाख रुपया नकद को डकैती कर लिया गया, जिसका कटिहार पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। घटना के बाद कटिहार पुलिस अधीक्षक द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कटिहार 2 के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया है। कटिहार SP वैभव शर्मा ने बताया कि छापामारी के क्रम में गुप्त सूचना मिली मोहम्मद असलम साकिन बलुआ चौक थाना बरारी जिला कटिहार के घर पर 9 से 10 अपराधी आए हुए हैं, बड़े अपराध करने की साजिश रच रहे हैं। गठित छापेमारी दल द्वारा कार्रवाई करते हुए साकिन बलुआ चौक मोहम्मद असलम के घर के आसपास पहुंचकर उनके घर को घेराबंदी की गई। पुलिस की इस कार्यवाही को अज्ञात बदमाशों के द्वारा देख लिया गया और भागने लगा, जिसमें से 4 अपराधकर्मी को छापामारी दल के द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम विक्की और विक्रम कुमार, चंदन कुमार मंडल, नवाज शरीफ, मोहम्मद असलम, सभी थाना बरारी जिला कटिहार बताया। गठित छापामारी दल के द्वारा तलाशी नियम का पालन करते हुए विधिवत तलाशी की गई तो विक्रम कुमार की कमर से एक लोडेड देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल एवं 20,000 रुपए, चंदन कुमार मंडल के कमर से एक लोडेड देसी सिक्सर, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल एवं 22,000 रुपए, नवाज शरीफ उर्फ मिट्ठू के दाहिनी पॉकेट से 2 जिंदा कारतूस एवं मोबाइल एवं 24,500 रुपए, मोहम्मद असलम के पास से एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल एवं 36,000 रुपए बरामद किया गया। दिनांक 11/9/2024 को बलुआ वार्ड नंबर 2 परारी में पंकज कुमार चौधरी के यहाँ डकैती घटना घटित हुई थी, जिसमें उनके परिवार में उनके पत्नी और उनकी माँ के कुछ जेवरात गए थे और कुछ पैसा वहां से डकैतों द्वारा लिया गया था। उसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसके द्वारा इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। इसी क्रम में जो सफलता मिली है, मोहम्मद असलम पिता अताउर रहमान, जो कि बलुआ चौक बरारी के ही रहने वाले हैं, इनके घर पे हम लोगों को ये जानकारी मिली कि कुछ अपराधी किसी घटना के लिए एकत्रित हुए हैं और कुछ बड़ी घटना घटित करने वाले हैं। तो ससमय पुलिस ने वहां पर छापामारी करते हुए वहां से एक लोडेड देसी कट्टा, एक लोडेड देसी सिक्सर, 5 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल सेट, लगभग 1 लाख रुपए और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। अग्रतर अनुसंधान में अपराधियों द्वारा अपनी संलिप्तता डकैती में स्वीकार की गई और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं उसमें से डॉक्यूमेंट्स जो वादी था उसके घर के पाए गए, जिससे इन लोगों की जो संलिप्तता घटना में है वो प्रूव होती है। इसमें जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो हैं विक्की उर्फ विक्रम कुमार, पिता राजेश महतो, ये रहने वाले हैं बारी नगर आश्रम टोला के, चंदन कुमार मंडल, पिता सुखदेव मंडल, ये रहने वाले हैं भंडारतल के, नवाज शरीफ उर्फ मिट्टू, पिता इमरान अली, और मोहम्मद असलम, पिता ताऊर रहमान। इनमें से विक्की उर्फ विक्रम कुमार पहले भी जेल जा चुके हैं 2023 में आर्म्स एक्ट केस में। इसमें इन लोगों के साथ अभी 4-5 लोगों के नाम और भी आए हैं जिनके इन्वॉल्वमेंट के बिंदु पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी इनके जो बाकी साथी हैं उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
और जो बाकी आइटम्स डकैत हुए थे उन सबको भी हम लोग जल्दी से रिकवर करें।